समवेयर अलोन इन द जंगल। रास्ता थोड़ा बहुत ट्रेल्स है, थोड़ा बहुत ट्रेल्स नहीं है, दो तीन रास्ते निकलते हैं, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फिगर आउट। पैडस भी सुन लो, मेरे फोन पे फोन करो तो एक बार। जनाब ने अपना फोन छोड़ दिया है। चेक, एक बार फोन करो। अब हम इनको फोन करने वाले हैं। गोइंग टू होम बीच गाइस। आई थिंक वी हैव मिस्ड द ट्रेल गाइस। ओह गॉड, काफी संकरा रास्ता है। गाइज, स्टार्टिंग आवर बीच ट्रेक नाउ। गुड मॉर्निंग गाइज, आई फ्लाई ऑफिशियल प्रोडक्शन की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और प्लान इज सिंपल टुडे। एनी विच वे, मैं जब लास्ट बार गो करना आया था तो मुझे बीच ट्रेक करनी थी, एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट बीच ट्रेक इन इंडिया, ऐसा बोलते हैं लोग। सो व्हाट वी आर प्लानिंग टू डू टुडे इज, देयर आर टू वेज यू कैन गो टू बीच ट्रेक। एक तो आप कुडले बीच से, देयर इज अ 10 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच, वहाँ से आप बीच ट्रैक कर सकते हो, या फिर यू कैन गो टू ओम बीच एंड ओम बीच से पैराडाइज बीच एंड हाफ मून बीच कर सकते हो। सो आवर प्लान इज़ टू गो टू ओम बीच और वहाँ से हम लोग ट्रैक कंप्लीट करेंगे। अभी थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग बाकी देखेंगे। दिस इज नमस्ते कैफे गाइस। और अभी ऑलमोस्ट खाली ही है ये। गाइज, स्टार्टिंग आवर बीच ट्रेक नाउ। अब कैसे जाना है मुझे पता नहीं, लेकिन विल फिगर इट आउट। मुझे इतना पता चला है कि आगे स्ट्रेट जाना है और वहाँ से फिर ट्रेल्स मिलना चालू हो जाएंगे। लेट्स सी, नहीं तो किसी से पूछ लेंगे। और क्या व्हाट करेगा? नहीं सर, टायर प्लेस दिखा के लेके आएगा। कर लिया, बहुत बार आके करके चला गया। बीच ट्रैक, ओके, थैंक यू सर। तो इफ़ यू डोंट वांट टू डू बीच ट्रैक, यू कैन आल्सो डू बोट राइड्स, वो भी 400-500 रुपये में आप हो जाता है। वाइब तो है ब्रो, वाइब तो है गाइज। वो जो रॉक फॉर्मेशन आप देख रहे हो ना, उसी रॉक फॉर्मेशन के कारण ओम बीच को ओम बीच बोला जाता है, बिकॉज उसने ओम बीच को दो भाग में डिवाइड किया हुआ है और वो एक ओम का शेप बनाता है। सो गाइज, धूप देखे आई हैव रियलाइज्ड कि द बेस्ट टाइम टू डू द ट्रेकिंग इज ऑब्वियसली इन द मॉर्निंग, लेकिन किसी भी टाइम आप आ सकते हो, क्योंकि मैं जब भी देखता हूँ कोई ना कोई बीच ट्रैक पर जा ही रहा होता है। सो गाइज, दिस इज़ वेयर आवर बीच ट्रैक इज स्टार्टिंग। ये है स्टार्टिंग पॉइंट, राइट ऑन द कॉर्नर ऑफ ओम बीच से आप ये ट्रैक स्टार्ट कर सकते हो। तो हम लोग माउंटेन के ना साइड से जाएंगे, तो एनी पॉइंट ऑफ टाइम ओशन दिखता रहेगा, ऐसा मैंने सुना है। लेट्स सी, समवेयर अलोन इन द जंगल। रास्ता थोड़ा बहुत ट्रेल्स है, थोड़ा बहुत ट्रेल्स नहीं है, दो तीन रास्ते निकलते हैं, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फिगर आउट। लेकिन व्हाट आई फिगर्ड आउट इज दिस, लुक सो ब्यूटीफुल गाइज। आई थिंक वी हैव मिस द ट्रेल गाइज, क्योंकि निकलते निकलते मैं कहीं बाहर ही निकल गया। यहाँ से तो फॉर श्योर नहीं जा रहे हैं मून, और इज दिस द वे, डजंट लुक लाइक इट। I don't think this is the way, but nevertheless it's so beautiful. पसीने से लथपथ हूँ मैं। देखो वहाँ से चले थे हम लोग, एंड दिस इज अ डॉगो इज फॉलोइंग मी। काफ़ी संकरा रास्ता है।
we are trying to figure out the way. So I think maybe we are at the right track. And I think we are. Wow! It looks so beautiful. Yeah, doggo, what's your name? गाइज वी वेर ऑन द राइट ट्रैक. मेरी तो फट गई थी, मुझे लगा कि गलत हो गया, लेकिन आई कैन सी हाफ मून बीच थोड़ा बहुत यहाँ से. सम सेटलमेंट इज देयर एंड दैट्स मोर देन एनफ फॉर मी टू बी हैप्पी, बिकॉज कोई सेटलमेंट पे तो पहुँच रहा हूँ. मुझे लग रहा था कि मैं गुम हो जाऊँगा जंगल में. सो इट्स नाइस, वी आर गोइंग डाउन नाउ एंड वी आर ऑन दिस ब्यूटिफुल हाफ मून बीच. गाइज आई विल शो यू. जंगल से ट्रक करके आना पड़ता है, नहीं तो बोट से. इधर आपको रहने के लिए रूम भी मिलता है, लेकिन इधर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, सोलर से काम चलेगा. इधर तीन रेस्टोरेंट है. इधर आपको न्यू ईयर क्रिसमस टाइम में पार्टी होता है. इंडियन फॉरनर सब लोग मिला के इधर पार्टी करते हैं. We'll go to the shack और थोड़ा सा कुछ पियेंगे and then we'll move on. So guys, after chilling for like half an hour, 45 minutes in Half Moon Beach, we are going to Paradise Beach. और यहाँ से around 30-40 minutes के करीब होगा. We'll figure it out. चले. Half Moon से निकल चुके हैं हम लोग. We are going to Paradise Beach. Same trek. Hope इस बार मैं गुम ना हो जाऊँ. मेरे फ़ोन पे फ़ोन करो तो एक बार. जनाब ने अपना फ़ोन छोड़ दिया है. चेक एक बार फ़ोन करो तो. अब हम इनको फ़ोन करने वाले. मेरा फ़ोन बैग में है. गाइस कचरा मत करो गाइस. यहाँ पे भी अभी देख रहे हैं हम लोग रास्ते में बहुत सारे प्लास्टिक्स. फॉर एग्जाम्पल एक्वाफीना. व्यू अमेजिंग है. गर्मी थोड़ा ज़्यादा है. सो आई वुड सजेस्ट, उस समय मैं बोल रहा था कि आप किसी भी टाइम पे कर सकते हो, लेकिन माई पर्सनल सजेशन वुड बी इफ यू आर डूइंग इट, डू इट इन द मॉर्निंग. आफ्टरनून इज नॉट वर्थी. इवनिंग में इट्स गोइंग टू गेट टू डार्क. सो द बेस्ट टाइम आई थिंक वुड बी एट मॉर्निंग इट्सेल्फ. अराउंड 5 बजे के करीब स्टार्ट करो. 3 घंटे में 8 बजे के करीब यू कैन कम बैक टू ओम बीच. साथ में कुछ दोस्त भी आ रहे हैं तो उनका वेट कर रहा हूँ. शायद अटक गए हैं वो कहीं पे. आई होप दे फाइंड द वे. व्यू देख लो तब तक. सो इट सीम्स लाइक पैराडाइज बीच थोड़ा सा डिफिकल्ट है इन कंपैरिजन टू हार्फ इनकम. सो इट फील्स लाइक पैराडाइज बीच थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट है इन कंपैरिजन टू हाफ मून बीच. थोड़े क्लिफ और रॉक चढ़ने पड़ते हैं.
वी आर स्टिल नॉट श्योर अगर ये पैराडाइज बीच है या नहीं है, लेकिन अगर है तो बहुत ही बढ़िया बात है बिकॉज टू टायर्ड. कोकोनट पीते हैं गाइस. कितना भैया? कितना है एक कोकोनट का? 60. ओके मैम, 60 रुपीज फॉर कोकोनट. गाइज वैसे मस्ट विजिट प्लेस पैराडाइज बीच. कितना गर्म है यार सोयल. देखो नहा तो नहीं सकता क्योंकि कपड़े लेके नहीं आया मैं, लेकिन पैर डुबाना तो बनता है, तो चलो थोड़ा सा बीच में पैर वैर डुबा लेते हैं. वैसे मैंने सुना है कि पैराडाइज बीच में अंदर जाके स्विमिंग नहीं कर सकते हैं अंटिल अनलेस यू डोंट हैव अ लाइफ जैकेट. अरे आपको लिख रहे हैं ना, ये पैराडाइज बीच है. पहले फॉरेनर्स लोग एक महीने दो महीने इधर टेंट लगा रहते थे, कोई भी आके रह सकता था, पूछने वाला कोई भी नहीं था. लेकिन अभी 2 साल पहले एक आदमी बीच को लीज पर खरीदा है, अभी सर ये बीच प्राइवेट बीच बन गया है. अभी उसी का ही टेंट होते हैं, आपको उधर अभी रहने के लिए उसको रेंट देना पड़ता है. आप टेंट लेके आए तो भी आपको रहने के लिए नहीं देते. ये बीच है ना, होम बीच में कितना भी बीच है ना, सभी बीच से ये बीच बहुत डीप है. कभी कभी हम लोग को भी बोट पकड़ने के लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि इधर सर बड़ा बड़ा वेव्स आ जाता है. इधर आपको सर स्विमिंग के लिए अलाउड नहीं है. अगर आप स्विमिंग करना चाहते हो तो जैकेट पहन के स्विमिंग करना पड़ेगा आपको. इधर भी व्हीकल नहीं आता है, ट्रैक करके आना पड़ता है, नहीं तो बोट से. टाइम टू लीव गाइज. अब आपको बताते हैं यहाँ से वापस कैसे जाना है. आई टोल्ड यू देयर आर टू वेज राइट. एक तो ये फेरी लेके जो कि हमें मिल नहीं रही है बिकॉज यू नीड टू हैव अ ग्रुप. And second is this way. यहाँ से ऊपर चढ़ना पड़ता है it seems. This is paradise. And we are going this way. Paradise beach isn't it? Yeah. गाइस पूछते पूछते कहीं तो निकल रहे हैं हम लोग. निकल ओ वाओ दैट इज अ क्रेजी बीच. कहाँ है गाइस? आई डिडंट एक्सपेक्ट कि इतना बड़ा होगा बेलकन बीच. जब लोकल से बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया था कि काफ़ी छोटा है, लेकिन नहीं, इट्स अ प्रिटी बिग बीच, लॉट बिगर देन हाफ मून एंड पैराडाइज बीच. लेकिन यहाँ पे ज़्यादा हम लोग एक्सप्लोर नहीं करेंगे. अब ये वी हैव गॉट आवर ऑटो गाइज. अब हम लोग जा रहे हैं वापस. 350 रुपीज़ टिल ओम बीच इज़ द प्राइस. थोड़ा नेगोशिएट कर लेना आप लोग बाद में. एनी विच वेज हम बहुत थक चुके हैं तो नेगोशिएट नहीं कर रहे हैं. अल्लाह